हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे गेहूं की खीर। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर लिए हैं 1/4 कप फाड़े। इसे हम फाड़े भी कहते हैं या फिर आप एक तरीके से इसे मोटा दलिया भी कह सकते हैं। लेकिन जो दलिया होता है वो थोड़ा सा बारीक होता है, जो फाड़े होते हैं वो थोड़े उससे मोटे होते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना मोटा फाड़ा होता है, मतलब कि एक गेहूं के लगभग 2 से 3 टुकड़े। मैं आपको थोड़ा पास भी दिखा देती हूँ। फाड़े को हम 2-3 बार पानी से अच्छे से पहले धो लेंगे। फाड़े को हम कुकर में पकाएंगे। मैंने फाड़ों को अच्छे से धो लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और चुटकी भर नमक। फाड़े की हम कुकर में 2 से 3 सीटी लेकर इसे अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारे फाड़े पक रहे हैं जब तक हम दूध को उबलने रख देते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध। इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। फाड़े हमें मार्केट में भी आराम से मिल जाते हैं, लेकिन यदि आप घर में पीसना चाहें तो आप गेहूं को मिक्सर जार में दरदरासा पीस लें। उसे आप छन्नी से छान लेंगे। आप फाड़ों को छानेंगे तो उसमें मोटा मोटा आटा निकलेगा। उसे आप लापसी में या फिर बाटी या बाफले बनाने में यूज़ करेंगे मोटा आटा, तो आपको काम आ जाएगा और ऊपर जो निकलेगा मोटा मोटा वो हमारे फाड़े बन जाएंगे। दूध को हम अच्छे से खिलाते हुए अच्छा गाढ़ा कर लेंगे, मतलब हमारा दूध आधा रह जाएगा। 1 लीटर हमने दूध लिया है तो आधा लीटर दूध हमारा रह जाए, इतना से हम उबाल लेंगे। जितना गाढ़ा हम दूध को अच्छे से करेंगे उतनी खीर का टेस्ट है वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम खीर में मावे का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। यदि आपके पास टाइम हो तो आप फाड़ों को पहले अच्छे से धोकर उसे 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिंगो के रख देंगे तो वो और जल्दी पक जाते हैं। बिना भिंगोए पकाने में हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। इस तरीके से आप गेहूं की खीर सिंपल तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो पहले गेहूं को भिंगा कर फिर गेहूं की खीर बनाई जाती है। देखिए, जब तक हमारे फाड़े भी पक गए हैं कुकर हमारा ठंडा हो गया है। पहले मैंने कुकर में 1 सीटी ली, उसके बाद गैस को 10 मिनट के लिए कम कर दिया तो फाड़े हमारे पक कर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसी तरीके से हमें फाड़ों को पकाना है। देखिए, इधर हमारा दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसमें जो फाड़े पकाए हैं उसे भी हम साथ में डाल देते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शक्कर। शक्कर की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खीर को आप लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी गाढ़ी होने तक हम खीर को पका लेंगे। खीर में आप शक्कर की जगह पर गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ केसर के रेशे दूध में भिंगो कर रखे थे, वो भी हम डाल देते हैं हमारी खीर में। देखिए, धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए मैंने लगभग 10 मिनट खीर को पकाया है। खीर हमारी अच्छी गाढ़ी सी हो गई है। ठंडी होने पे ये और गाढ़ी हो जाएगी। इसमें हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर। 2-3 इलायची को पीस कर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ काजू और बादाम को बारीक काट लिया है, वो डाल देते हैं। एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, हमारी टेस्टी गेहूं की खीर बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप भी गेहूं की खीर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।